दोस्तों अगर आप भी IRCTC अकाउंट बना करके परेशान हो गए हैं और अब उसे आप डिलीट करना चाहते हैं परमानेंटली, वैसे IRCTC अकाउंट बना करके कोई परेशान होता है? कोई बात नहीं, हो सकता होगा कि आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो गया होगा IRCTC अकाउंट, कोई नया नंबर से रजिस्टर करना चाहते हैं या फिर वो नंबर बिल्कुल रिमूव करना चाहते हैं, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप IRCTC अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आपने IRCTC अकाउंट डिलीट करवाना है तो इसके लिए आपको सबसे पहले IRCTC ऐप में चले जाना है। ऐप में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है कि मोर पे क्लिक करना है। दोस्तों मोर पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है कि कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करना है। कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो पहला मेल दिख रहा है आपको iTicket e-ticket, तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ईमेल में रीडायरेक्टिंग कर दिया जाएगा और दोस्तों यहाँ पर आपको मेल करना होगा। मेल किनको करना होगा, care@irctc.co.in को यहाँ पर देख सकते हैं, ऑटोमेटिक मेल आईडी ले लिया गया है। अब आपको दोस्तों यहाँ पर रीजन सारा कुछ लिखना होगा, तो दोस्तों यहाँ से आप अपना IRCTC अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर पाएंगे। अब आप पूछेगा यार ये तो आप हमें मेल बता रहे हो, आप ये बताइए कि मैं खुद से कैसे करूं ऑनलाइन अपना मतलब कि रिमूव्ड, जैसे कि मैं व्हाट्सएप को अपना मतलब कि रिमूव कर सकता हूं, अपना अकाउंट को डिलीट कर सकता हूं, जैसे कि इंस्टाग्राम को मतलब कि आईडी को हम डिलीट कर सकते हैं, वैसे ही ये मैं IRCTC अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कैसे कर सकता हूं। तो दोस्तों यहां पर IRCTC अकाउंट बनाना तो आपके हाथ में है, लेकिन इसको परमानेंटली डिलीट करना आपके हाथ में नहीं है। इसके लिए थोड़ा सा कुछ रूल्स रेगुलेशन और यहां पर आपको प्रोसेस है जो कि फॉलो आपको करना ही करना है अगर आप डिलीट करना चाहते हैं परमानेंटली। तो दोस्तों यहां पर फाइनली हम यहां तक आ गए हैं और उसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट में आपको क्या लिखना है, आई वॉन्ट टू डिलीट माई IRCTC अकाउंट परमानेंटली। आपको सब्जेक्ट में सबसे पहले लिख देना है आई वॉन्ट टू डिलीट माई IRCTC अकाउंट परमानेंटली, और उसके बाद दोस्तों यहां पर नीचे में जो मैं लिख रहा हूं वही आपको लिख देना है। वैसे दोस्तों मैं यहां पर कॉपी यहां पर एक नीचे फॉर्मेट दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको कॉपी करके आप सीधे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और जैसे कि दोस्तों यहां पर मैं भी लिखा हुआ हूं नोट्स में, तो आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट मैं भी यहां पर कर लेता हूं, आपको यहां पर देखना है। उसके बाद दोस्तों यहां पर नीचे देख सकते हैं लिखेगा आपको रिस्पेक्टेड सर मैडम, और उसके बाद दोस्तों यहां पर लिखेगा आई वॉन्ट टू डिलीट माई IRCTC अकाउंट विदाउट एनी रीजन, सो काइंडली रिस्पेक्टली डिलीट माई IRCTC अकाउंट एज सून एज पॉसिबल। उसके बाद दोस्तों लिखेगा ऑल माई IRCTC अकाउंट डिटेल्स आर गिवन बिलो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप अपना माई IRCTC यूजर आईडी दे दीजिएगा। दोस्तों यूजर आईडी आप लॉगिन करने के टाइम पे यूज करते हैं, यहाँ पर दोस्तों जो लॉगिन करने के टाइम पे आप यूज करते हैं ये यूजर आईडी, यहाँ पर आप समझ रहे होंगे, यहाँ पर दोस्तों ये जो यूजर आईडी आप यूज करते होंगे यूजर नेम और जो यहाँ पर पासवर्ड यूज करते हैं यहीं पर आपको क्या करना है दे देना है। और उसके बाद दोस्तों रजिस्टर मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है आपका IRCTC अकाउंट में वो मोबाइल नंबर भी इंटर कर देना है, ईमेल आईडी भी इंटर कर देना है आपको, और उसके बाद आधार, अगर आपने आधार लिंकिंग किया हुआ है तो आधार नंबर दे देना है, अदरवाइज दोस्तों आपको कुछ भी ऐसा देने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों आपको यहाँ पर ये नीचे में एग्जाम्पल ऐसे ही लिखा हुआ था, और दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो मेल यहाँ पर ऊपर में सेंड लिखा हुआ है इसे आप क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों सेंड हो जाने के बाद उधर की तरफ से मैसेज आ जाएगा मतलब कि डिलीटेड का, और दोस्तों अगर डिलीटेड हो जाएगा तो आपको दोस्तों सक्सेसफुली डिलीट करके मैसेज बिल्कुल आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना IRCTC अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर पाइएगा। अब दोस्तों बात आ रहा है कि क्या मैं परमानेंटली डिलीट करने के बाद मैं नया मतलब कि अपने नाम से IRCTC आईडी बना सकता हूं, तो दोस्तों बिल्कुल डिलीट हो जाने के बाद आपका वो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी सारा कुछ हट जाएगा, बिल्कुल रिमूव कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आप नया अकाउंट आप अपना नाम से बिल्कुल बना सकते हैं, इसमें कोई भी परेशानी या दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आप सभी को बता पाया कि आप IRCTC अकाउंट परमानेंटली डिलीट कैसे ऑनलाइन कर सकते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग भरी वीडियो में। और दोस्तों अगर आप और रेलवे से वीडियो देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो के बाद एक सेक्शन आएगा वीडियो का, आप वहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। मैं आपसे वहीं मिलता हूँ, बाय।